नमस्कार दोस्तों, आज हम WhatsApp से रिलेटेड इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो WhatsApp के अंदर एक वंस यू फीचर जो आया है, ये बहुत ही बढ़िया फीचर माना जा रहा है, इसीलिए ये बहुत ही चर्चा में है। तो WhatsApp के अंदर जो ये वंस यू फीचर है, ये क्या है? तो वंस यू फीचर ये है कि आप जब किसी को इमेज या वीडियो शेयर करते हैं, तो वह व्यक्ति आगे का उस इमेज या वीडियो को जब भी एक ही बार देखेगा, जैसे एक बार देखकर उस इमेज या वीडियो पर से हट जाता है, तो उसके बाद उस इमेज या वीडियो को वापस वो कभी नहीं देख सकता, क्योंकि WhatsApp और गैलरी में से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो यह फ्यूचर किनको अवेलेबल है? तो यह फ्यूचर जो है कि WhatsApp के बीटा वर्जन में अवेलेबल है, और जो भी अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप WhatsApp के न्यू अपडेट को अपडेट कर लीजिएगा, यह फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इस फ्यूचर को किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो सिंपली हम आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं और बताते हैं कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम रामप्रवेश राजभर है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल रामप्रवेश है। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक मेरा लेफ्ट साइड में जो है कि एक कॉन्टेक्ट है, एक मोबाइल है और एक राइट साइड में है। तो इस तरह से मैं दो मोबाइल का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप इमेज को सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली इसको अटैचमेंट पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपके गैलरी में फ़ोटो रखी हुई है, उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऐड कैप्शन के साइड में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक, यहाँ पे एक वन क्लिक यहाँ पर आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे तो फोटो सेट टू व्यू वंस का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगर सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू वंस ऑप्शन में चला जाएगा। इसके बाद अगर इसको हटाना चाहेंगे तो आप यहीं से सिंपली इस पर टिक करके हटा सकते हैं और इसको सेट करके सिंपली इसको सेंड कर देना है। जैसे आप यहाँ से अपने यहाँ से सेंड करेंगे, ये वीडियो सेंड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिसीव भी हो गई है। रिसीव होने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको ऑप्शन आएगा वन व्यूज का, अगर व्यू वंस के ऑप्शन से भेजा गया होगा तो यहाँ पर, और अगर आपने नॉर्मली भेजा होगा तो आपको आपके भी स्क्रीन में दिखाती है इमेज और साइड वाले स्क्रीन में भी दिखती है। तो यहाँ पर सिंपली इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से जो इमेज भेजी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर है कि दिस फोटो इज सेट टू व्यू वंस फॉर मोर प्राइवेसी दिस फोटो विल डिसअपीयर आफ्टर यू क्लोज इट। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही इस इमेज को क्लोज करेंगे, ये इमेज आपके WhatsApp में से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसके बाद इसको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई गलत कंटेंट भेजा गया है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं भेजने वाले को। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि वीडियो किस तरह से भेजना है इस वंस व्यू ऑप्शन के थ्रू। तो सिंपली अटैचमेंट पर क्लिक करना है, गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपके गैलरी में जो भी आपकी वीडियो होगी उस वीडियो को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू वंस का ऑप्शन है, तो जैसे ही सेट करेंगे वीडियो सेट टू व्यू वंस का ऑप्शन आ चुका है और इसी तरह आप सिंपली इसको सेंड कर देंगे। और जैसे ही आपकी वीडियो यहाँ पर सेंड होती है, तो यहाँ पर आपके मोबाइल के ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो लिखा है, उसके साइड में वन का ऑप्शन है व्यू वंस का। इसके बाद जैसे यहाँ पर आपके देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले मोबाइल में यहाँ पर जो आ गया है यहाँ पर ऑप्शन डाउनलोड का साइड में देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन में आया हुआ है कि, तो सिंपली इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। जो हमने वहाँ से भेजा था वो यही वीडियो है, इसको जितने बार चाहे देख सकते हैं आप, इसको स्टॉप करके या रोक के या फिर इसको प्ले करके। इसके बाद अगर इसको यहाँ पर देख सकते हैं दिस वीडियो इज सेट टू व्यू वंस फॉर मोर प्राइवेसी दिस वीडियो विल डिसअपीयर आफ्टर यू क्लोज इट। तो इसका भी यही मतलब है कि आप जैसे इसको बैक कर देंगे, ये परमानेंटली आपके WhatsApp के अंदर से डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसको चाहेंगे तो जितने बार यहाँ से इसी तरह देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कोई आपको ऑप्शन डिलीट और रिपोर्ट के अलावा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपनी इमेज और वीडियोस को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो भी ओपन इट दिखा रहा है, ना आपके
किसी मोबाइल में, दोनों में से किसी में भी अभी ये ओपन नहीं होगी, ना आप भेजने वाले में या रिसीव करने वाले में किसी में भी नहीं ये होगी। तो आप इस तरह से इस OneSwift फीचर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेटर मुझे ये अपडेट लगा था, बट इससे भी बेटर हो सकता था, क्योंकि WhatsApp के अंदर जो स्क्रीन कैप्चरिंग ब्लॉक का जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप जब किसी को इस OneSwift फीचर के माध्यम से इमेज या वीडियो भेजते हैं, तो भेजने के बाद क्या होगा कि वो एक बार तो क्लिक करके उसको हट जाएगा, इसके बाद उसके दिमाग में आएगा कि अगर मुझे कोई वापस इस तरह से कुछ भेजता है इमेज या वीडियो, तो उसको वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इमेज की, या वीडियो होगी तो वीडियो को स्क्रीन कैप्चरिंग कर सकता है, आसानी से उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख सकता है। तो अगर WhatsApp के अंदर स्क्रीन कैप्चरिंग ब्लॉक का फ्यूचर होता तो यह आज के मामले में बहुत ही बेटर अपडेट माना जाता। फ्यूचर से थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि WhatsApp से रिलेटेड वीडियोस मैंने बहुत सारी मेरे YouTube चैनल पर डाली हुई है, जाकर देख सकते हैं। और मैं YouTube CSE टेक एंड ट्रिक से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।